मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन शेख था। ये पेपर मैशी आर्ट है। पेपर मैशी आर्ट अभी आजकल इंटीरियर हो रहे हैं, मतलब हाउसों में श्राइनर्स में कर रहे हैं। ये MDF है, MDF पे कर रहे हैं, ख़त्म बंद पे कर रहे हैं, या वॉल्स पे कर रहे हैं, सीलिंग पे कर रहे हैं। पेपर मैशी से मैं जुड़ा हूँ लगभग पिछले 35 सालों से, लेकिन कुछ 10-12 साल हो गए जो इंटीरियर जैसे कि हाउसों में करते हैं या ख़त्म बंद करते हैं। 10-12 साल हो गए मुझे नहीं इसके साथ। इससे पहले पेपर मैशी आइटम जो बनते थे वही बनाते थे, अभी भी बनाते हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा काम करते हैं, मतलब इंटीरियर काम ही ज़्यादा होता है। पेपर मैशी जो असली आर्ट है वो आजकल नज़र नहीं आ रहा है। आजकल जो पेपर मैशी चल रही है वो लगभग मानिए कि बच्चों की ड्राइंग जैसे होती है। जो असली पेपर मैशी है उसका कोई ना मतलब कहीं पे पता ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम मकानों पे कर रहे हैं, हाउसों पे कर रहे हैं, बहुत सी जगह ऐसे काम करते हैं कि बच्चे उसे बेहतर कर सकते हैं। ऐसा भी चलता है कोई काम, जैसे कि मैं एक पर स्क्वायर फुट 700-800 लेता हूँ, दूसरा बंदा है वो 200-250 भी लेता है, लेकिन काम में फ़र्क होता है। वो ड्राइंग होती है उसमें जो सिमेट्री होनी चाहिए वो नहीं होती है, क्योंकि जिनको पता भी नहीं है वो भी करते हैं ये काम। जिनको ना अभी सीखना है वो अभी एक उस्ताद बने हुए हैं, खुद ही करते हैं, उनको पता नहीं है पेपर मैशी किसे बोलते हैं, या इसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पे देखोगे बोलेंगे इस डिज़ाइन का क्या नाम है, उसको कोई नाम ही नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई जो भी जी में आता है वही बनाते हैं, उसका क्या नाम रखेंगे। जैसे कि इस पे पेपर मैशी आइटम जो होते हैं, पेपर मैशी डिज़ाइन, उनके बाजार का नाम है, जैसे कि रंग हज़ार है, रंग गुल वाला है, गुलंदर गुल है, बगलदार है, चीन है, बहुत से डिज़ाइन हैं, ट्री ऑफ लाइफ है, कहीं नहीं दिखता है, खाली ड्राइंग। इसको ड्राइंग बोल सकते हैं, जो आजकल ये ख़त्म बंद वत्म बंद करते हैं ड्राइंग बोलते हैं, क्योंकि आजकल सभी जिनको पता भी नहीं है ना वो भी उतरे हैं इसमें, खाली कलर करते हैं, वो पेपर मैशी नहीं उसको बोल सकते। जो हमारे उस्ताद रहे हैं, जिनके ज़रिए हमने ये सीखा, जिनके ज़रिए हमारे पास पहुंचा ये आर्ट, वो अब ये काम नहीं करते हैं। मेरा एक उस्ताद था, वो अभी गाड़ी चलाता है, या एक म्यूनसिपलिटी में उसका जॉब लगा है, या कुछ और कोई काम करते हैं, दुकानदार या सेल्समैन, जो भी ना असली पेपर मैशी कारीगर थे। बढ़ रहा है पेपर मैशी आर्ट, जैसे कि कारपेट ख़त्म हो गया, शाल की अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शाल अमृतसर का चलता, कश्मीरी शाल तो ख़त्म हो गया, ऐसे ही पेपर मैशी भी अब दम तोड़ रही है, क्योंकि पेपर मैशी कहीं पे उसका नाम ही नहीं है, ये ड्राइंग है। नहीं जो पेपर मैशी सभी की बस की बात नहीं है, सभी करेंगे पेपर मैशी। पहले रियल गोल्ड वर्क होता था, आजकल जो पेपर मैशी करते हैं उनको पता भी नहीं है रियल गोल्ड किसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। जब मैं छोटा था लगभग 7-8 साल का, मेरा एक रिलेटिव है, रिश्तेदार है, मैंने उसको करते हुए ये देखा, फिर मुझे भी ना शौक पड़ा इसका, तब से मैंने शौक से किया है ये काम। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, बहुत से जो जितने भी मुझे जानते हैं इसी की वजह से जानते हैं, यहाँ बाहर जो भी मेरे पास है इसी की बदौलत है। देखिए मैं आपको, इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो गोलमिनट की है, क्योंकि अगर गोलमिनट चाहे इस जो क्राफ्टमैन है उनकी तरह तवज्जो दे, लेकिन ऐसा हो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी यहाँ पे करप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा है। अगर कोई क्राफ्ट मतलब पेपर मैशी आर्टिस्ट है या किसी भी आर्ट का है, जो उसका हक होता है वो कोई और मार लेता है, क्योंकि जैसे कि ब्रोकर्स होते हैं, हम पेपर मैशी आइटम्स बनाते हैं, जो एक्सपोर्ट होता है वो उसको देते हैं, जो पेपर मैशी आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो वही लेते हैं जो ब्रोकर होते हैं, जो एक्सपोर्ट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है पेपर मैशी, वो कारीगर नहीं होते हैं, वो सेलर होते हैं। लेकिन जो भी कारीगर को मिलना चाहिए वो उन लोगों को मिलता है। क्यों मिलता है तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मिलता है, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। 2008 में मैंने नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई किया था,
जो मैंने बनाया था वो चीज़ उसको वहीं पे रखा, वहाँ ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट जो दफ्तर है उन्होंने बंद किया, क्योंकि मेरे अगेंस्ट जो अपोजिट एक बंदा था वो उसने वो भी नेशनल अवार्डी था, उन्होंने दो बंदों को तैयार किया था कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। लेकिन जो मेरा मैंने बनाया था उसको बंद रखा, क्योंकि उन्होंने उनसे मतलब कुछ चुकाया था कि जो उसमें कुछ पैसा मिलता है वो वही रख लेंगे। जो आजकल नेशनल अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड विनर्स होते हैं, आप उनको चेक करके देखिए, उसके काबिल नहीं होते हैं सभी। कोई कोई होता है, मैं नहीं बोलता हूँ सभी है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है पेपर मैशी आर्ट किसे बोलते हैं, वही अवार्ड विनर वही होते हैं। एक तो चारे शरीफ में जो मस्जिद बनी है ना नवी, उस पर हमने किया है, और यहाँ शाह हमदान में भी मैंने किया है, और बाहर हुआ जम्मू एयरपोर्ट में मैंने किया है, दिल्ली में मैंने किया है, और यहाँ श्रीनगर में बहुत से मकान ऐसे जहाँ पे मैंने किया है। जैसे कि कोई डिज़ाइन होता है, अगर कोई मतलब आप सपोज आप करवाते हो काम अपने घर में, आपको देखना चाहिए मैंने क्या सैंपल दिया है और ये क्या बना है, ठीक है। जैसे इसका कोई गुलगुलायत है या कोई क्राफ्ट है, जैसे कुछ हज़ार है, मैं मेरी नज़र में ऐसे भी कुछ डिज़ाइन आते हैं जो मेरे दिमाग से हट के है, उसका कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। देखिए सपोज हमें ये फूल बनाया, जैसे कि यहाँ पे बना है वैसे ही यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ऐसे भी कारीगर होते हैं यहाँ पे ऐसा बना, यहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि उनको सिमेट्री नहीं आती है। शादियों में जो होते हैं ना, वो पहले आते थे वो जिसमें ना फ्रूट वूट देते थे, अभी पेपर मैशी भी उसमें यूज़ हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। या दुल्हन को वो देते हैं जिसमें कुरान शरीफ रखते हैं वो ना, उसका वो बक्स वो भी चलता है, या ज्वेलरी बक्स होता था पहले से ही, आज की बात नहीं है, ज्वेलरी बक्स बनते थे बहुत से ऐसे शादी के, सिंगार बक्स बनते थे जो शादियों में यूज़ होते थे, ये तो पहले की ही बात है। अगर जो पहले पेपर मैशी आर्ट होता था, अगर वो आज करेंगे, वही आर्ट आज करेंगे बॉक्सों पे, वो बहुत महंगा होता है, लेने वाला कोई नहीं होता है उसका। यहाँ पे उसी के अगेंस्ट उससे आधे से भी ज़्यादा कम कीमत पे वो बॉक्स मिलते हैं, लेकिन वो पेपर मैशी नहीं होती है, पेपर मैशी के नाम पे उसका कुछ ड्राइंग बोल सकते हैं। ये तो बहुत अमेरिका में जाता है, लंदन में जाता है, आर्ट बनाते हैं, जैसे कि क्रिसमस बॉल्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, क्रिसमस जब होता है उसमें वो यूज़ होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे ऐसे पेपर मैशी आइटम होते हैं जिसमें पाउडर वाउडर या कुछ पैकिंग के लिए यूज़ होता है पेपर मैशी आइटम, जैसे कि पाउडर बॉक्स होता है, सिगार बॉक्स होता है, फ्लैट बॉक्स पैकिंग के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि गत्ता होता है ना किसी चीज़ का पैक, शॉल बिकता है, शॉल के लिए डब्बे बनते हैं, उसमें शॉल पैक होता है, वो बाहर होता है एक्सपोर्ट होता है। 2008 में मैंने बनाया था ना एक नेशनल अवार्ड के लिए, एक बबल जैसा था वो मैंने अपनी लाइफ में मतलब मास्टर पीस ही बनाया। मैं खाली जो भी आर्टिस्ट हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ ये जो काम है इसको भी जिंदा रखना जरूरी, इसको बिगड़ने नहीं देना है, इसको संवारना है, काम जो है वो बराबर काम होना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए, काम को संवारना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है। ये तो शाह हमदान साहब ने लाए हैं अपने साथ 12,000 कुछ वर्कर्स लाए हैं, लेकिन कारीगर वालीगर तो बहुत से जो भी क्राफ्ट आया है वो ईरान से आया है, हैं जी नहीं, इंशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो भी बोला ना आपको, अभी जो भी कोई मुझे जानता है यहाँ बाहर, इसी क्राफ्ट की वजह से मैंने बाहर भी बहुत मतलब गया हूँ, इसी क्राफ्ट की वजह से। जो नेचुरल असली काम होता है ना, जो प्रॉपर काम होता है, प्रॉपर उसकी इज्जत हर जगह होती है, हर वक्त में होती है, हर टाइम में होती है, ऐसा कि नहीं कि मतलब हवा या सब खत्म नहीं, जो काम कारीगर होता है वो कभी नहीं बैठेगा वो कोई भी मसला कैसी भी, करोना आया यहाँ पे मैंने अच्छा काम किया था,
मैं बैठा नहीं था, मेरे पास काम था अराउंड। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ना ये पेपर मैशी मेरे साथ करते थे, वो दूसरे दूसरे काम करते, जब वो करोना आया वो सब ठप हो गए, मेरे साथ आ गए, उनका भी गुजारा हो गया। एक तो इसके लिए ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए जो कि ये फर्क करे पेपर मैशी क्या है और ड्राइंग क्या है, ठीक है। क्योंकि पेपर मैशी के असल के नाम पे अगर नकल चलने लगा तो असल तो ख़त्म ही हो जाएगा। एक तो ये है, दूसरा जो भी गवर्नमेंट कुछ करता है कारीगरों के लिए, वो कारीगरों को मिलना चाहिए, वो कारीगरों को मिलना चाहिए, ना कि सेलर को, जो सेलर होते हैं देने के लिए।